परिवहन व्यवस्था में सुधार और दुर्घटनाएं रोकने के लिए महकमा बड़े स्तर पर प्रयास कर रहा है। इसके लिए विभाग के निदेशक कैप्टन जे एम पठानिया ने कांगड़ा जिला के चालकों और परिचालकों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि इंटरसिटी सुपर डिलक्स बस सेवा में यात्रियों को आरामदायक सेवाएं मुहैया करवाने पर भी फोकस किया जा रहा है। इसमें प्री बुकिंग पर लग्जरी किराया यानी कि पहले बुकिंग करने पर सस्ते टिकट भी मौजूद रहेंगे। परिवहन व्यवस्था में सुधार और दुर्घटनाएं रोकने के लिए महकमा बड़े स्तर पर प्रयास कर रहा है। इसके लिए विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने कांगड़ा जिला के चालकों एवं परिचालकों को रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि इंटरसिटी सुपर डीलक्स बस सेवा में यात्रियों को आरामदायक सेवाएं मुहैया करवाने पर फोकस किया जा रहा है। इनमें प्री बुकिंग पर टैक्सी किराया यानी पहले बुकिंग करने पर सस्ती टिकटें भी दी जाएंगी। कैप्टन पठानिया ने कहा कि विभाग ने कॉन्टेंट कैरियर के परमिट ऑनलाइन देने की शुरुआत भी की है। परिवहन निदेशक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य में गठित रोड सेफ्टी सेल में 5 विभागों परिवहन, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक निर्माण के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। ये सेल प्रदेश में सड़क हादसे कम करने के लिए रोड सेफ्टी को एक कल्चर बनाने का काम करेगा। इसके तहत वर्कशॉप, नुक्कड़ नाटक, स्कूलों में वॉलंटियर अध्यापकों की मदद से बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए लेक्चर आयोजित होंगे। परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जे एम पठानिया ने कांगड़ा के ट्रांसपोर्टरों के साथ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक कर निजी बस ऑपरेटरों को 51 नए रूट अलॉट किए। इसके अलावा नगरोटा, बागमा, ज्वालाजी, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, फतेहपुर, 53 मील में ऑटो रिक्शा के साथ 60% नए रूट अलॉट किए हैं। CVO कैप्टन पठानिया ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा राज्य में होने वाले हादसों की डाटा स्टडी में सामने आया है कि करीब 95.04% हादसे मानवीय चूक के कारण होते हैं। इसमें ओवर स्पीड, रेस ड्राइविंग, ड्रंक करके ड्राइव करना, सीट बेल्ट एवं हेलमेट न लगाना आदि कारण मुहैया है। राज्य में हर साल करीब 3,500 हादसे हो रहे हैं। इन हादसों में हर साल करीब 1,250 लोगों की मौत और करीब 5,500 लोग जमींदोज हो रहे हैं। ऐसे में रोड सेफ्टी पर सेमिनार करने के बजाय इसे कल्चर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस दिशा में सार्थक प्रयास करने का आह्वान किया है। बेनिफिट होने वाला और किस तरह की चर्चा जो की गई है? ये बैठक जो है हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक थी, जो कि हमारी साल में 2 बार होती है और इसमें बेसिकली इसका जो रोल है वो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का है पूरा ज़िला कांगड़ा के। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी RTA की बैठक्स होती हैं। अभी जो हमारी बैठक हुई है इसको हमने 3 भागों में बांटा था और 3 दिन में बांटा था, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, एजेंडा ज़्यादा था। पहला हमने इसमें रोड सेफ्टी कैंपेन जो था हमारा, उसको हमने रोड सेफ्टी वर्कशॉप में किया था, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्टर्स थे, उन सभी को हमने अपने साथ मिलाने वाला काम किया और साथ में उनको रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी। इसके साथ हमारा दूसरा पिछले कल जो एजेंडा था उसमें हमारे 51 रूट्स जो थे नए रूट, उनको हमने लोगों को परमिट बांटे और उसमें हमारा जो भी प्रोसीजर था उसके मुताबिक उन्हें 51 रूट्स को अलॉट किया। देखिए, इसमें आज जो अभी हमारा जो रफ डेटा है उसके मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमारी अभी तक जो ज़रूरत है वो बहुत ही कम है। अभी ज़रूरत मीन्स उसकी अवेलेबिलिटी, ज़रूरत से अगर आप देखें कि हमारे पास 100 आदमी अगर ट्रेवल कर रहा है तो सिर्फ 30 से 40 लोग ही हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी जो है उतनी अच्छी नहीं है। अगर बिकॉज आप जैसे जैसे इकॉनमी इम्प्रूव हुई है उसके मुताबिक लोगों के पास पैसा भी बढ़ा है। अब मेरे को अगर शिमला जाना है तो मैं 100 रुपये की बजाय मैं 300 रुपये देने को तैयार हूँ, अगर मेरे को प्रॉपर सुविधा मिलती है। सेकेंडली, अगर मैं अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करता हूँ तो उसमें हमारे को ज़्यादा खर्चा भी होगा, मेरे को टेंशन भी है, मेरे को एग्जर्शन भी है, और दूसरा जब मैं वहाँ पर शिमला में जाऊँगा या किसी भी टाउन में जाऊँगा वहाँ पर पार्किंग की समस्या भी है। तो अगर मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्वालिटी की मिलती है तो उसमें मैं प्रेफर करूंगा कि मैं अपनी गाड़ी में ना जाके दूसरी उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊं। इसलिए हमने कोशिश किया है अभी एक रूट के ऊपर काम करने का और उसमें तकरीबन 30 से 35 रूट जो हैं अब हम इमीडिएटली करेंगे जो हिमाचल के इंटरसिटी बस के रूप में काम करें।